हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। जैसे आप देख पा रहे हो कि हम बगीचे में आए हैं भैंस को चराने के लिए। देखिए सामने भैंस दिखाई दे रहा है। चलिए जो कि थोड़ा आप लोगों को बैकग्राउंड दिखा देते हैं, उसके बाद जो है कि चलेंगे घर, वहाँ आप लोगों को काजल से बातें कराएंगे। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। तो दोस्तों फाइनली हम देखिए जो है कि घर आ चुके हैं भैंस को लेकर के। और आते ही हम सबसे पहले जो कि स्वेटर पहने, क्योंकि शाम हो गई थी और ठंड भी लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे घर में अभी क्या चल रहा है फिलहाल। अभी अम्बीर का तो थोड़ा हल्का फुल्का जो है कि तबीयत ठीक है। काजल का जो है कि अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ है। लगता है इस साल जो है कि हमारा तकदीरें ख़राब है जो हमारे साथ इस तरह का हो रहा है। अगला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को खुद पता होगा हमारे घर में अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरह से जो है कि मेंटेन कर रहे हैं हम। जो है कि घर में काफ़ी सारा परेशान और दिमाग में डिप्रेशन आते रहता है। तो चलिए मिलवाते हैं काजल से और बात कराते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और हमारा वीडियो जाके पूरा देखिए, कहीं छोड़ के जाइए नहीं, इतना टाइम नहीं लेंगे। जो बैठ के ही बात करेंगे क्योंकि ठंड है, उड़ ली है चादर और उठने का जो है कि मन ही नहीं कर रहा है, यानी कि दे जो है कि गर्म हो गया है इसीलिए नहीं उठती है। तो चलिए आप लोगों से थोड़ा बात करा देते हैं, कर लीजिए बातें। हम भी बैठ गए इसके पास। दोस्तों दोस्तों बैठे हैं, ठंडा बहुत ठंडा लगता ना है अभी, सबको ठंडा होते है। और ऋषि का भी नहीं रहती है, अम्बीर का भी तबीयत खराब हो गया, इसी ऋषि का बैठे हैं। तो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है दोस्तों, इसीलिए जो बारिश से जो है तबीयत खराब होते रहता है, कभी अम्बीर का तो कभी ऋषि का और कभी हम लोगों का भी थोड़ा तबीयत खराब है, यानी सर्दी खांसी है। और ऐसे पागल छागल के हैं। ये बात नहीं, और जो है कि डेली ना आते हैं ना, उसके वजह से भी सर्दी खांसी हो जाता है। अम्बीर को तो बुखार आ जाता है, अम्बीर अभी फिलहाल है नहीं, उसको मम्मी लेकर गई है घूमने के लिए। हमको कल बुलाए थे वहाँ दवाई मतलब सुई दिलाने के लिए, बोला था कि डॉक्टर एक बार दिखवा लेना, तो हम नहीं जा पाए, थोड़ा काम में फंस गए थे तो नहीं जा पाए थे। और सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या का जो है कि मेन मुद्दा ये है कि आप लोग सोचते होंगे कि ये सब बाउंड्री वाउंड्री नहीं करवा पाते हैं। बगल में देखिए कितना सारा जंगल है, तो चलिए थोड़ा सा उधर दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है कि इधर जंगल है, यही वो जंगल है जिसमें नेगेटिव शक्ति जो है कि इधर काफ़ी रहता है। हम लोगों को रात में कभी कभी काजल जो है कि डर भी जाती है, लेकिन हम लोग तो मेल है और तो उतना टेंशन नहीं रखते हैं वो सब चीज़ों का, इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। और देखिए आप लोगों के सपोर्ट और दुआ आशीर्वाद से कब जो है कि ये हमारा बाउंड्री होगा और ये सब चीज़ों से कब हम लोग छुटकारा पाएंगे, वो सब आप लोगों पे ही डिपेंड करता है दोस्तों। मतलब कुछ कुछ बात जो है कि इमोशनल होकर अगर बोल देते हैं, कुछ बातें आप लोगों को गलत भी लगता होगा, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। अगर जो भी गलती होती है हम लोगों से, तो आप लोग छोटे समझ कर माफ़ कर दीजिएगा। और दोस्तों ये तो हमारा वीडियो डेली की तरह डेली आप लोग देखते होंगे, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो तो देखते ही होंगे। अगर आप लोग नए हैं और नए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए बगल में मम्मी भी है, काजल उधर, अम्बीर सब भी है खाट पर खड़ा, मम्मी भी है बगल में। मम्मी आप लोगों से बातें नहीं करती हैं और हम सोचते हैं कि मम्मी से भी बात करवाएंगे, पूरी फैमिली से बात कराएंगे, लेकिन मम्मी बात नहीं करती है। मम्मी बोलती कि हम बोलना नहीं जानते हैं, हमको बोलने नहीं आता, इसीलिए बातें होते नहीं करती हैं। मम्मी से पूछते हैं कि हम लोग कब कामयाब होंगे, मम्मी का आशीर्वाद हम लोगों पर है या नहीं है। तो देखिए तो मम्मी को धक्का मार दिया, मम्मी चली गई। मम्मी बोलती है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगी, हम नहीं बोल पाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि हम लोग देहात का रहने वाले हैं और हमारे घर में जितने भी हैं वो सारे हम लोग भाई बहन जितने भी थे वो सब पढ़े लिखे हैं। काजल भी हल्की फुल्की पढ़ी लिखी है, तो मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए आप लोगों से थोड़ा बात नहीं कर पाई। देखिए थोड़ा सा अम्बीर कैसा कैसा बेटा, अंकल इधर देखो ना, इधर देखो ना जरा सा, इधर
क्रिकेट बॉल लेके उमिर खेल रहा है, ये बोल रहा है बूदी बूदी मैंने गोदी आएगा, ये गोदी आएगा उमिर। तो चलिए इसको गोदी ले लिए, टाटा कर दो एक बार अंकल सबको टाटा कर दो। और खुशबू भी आ रही है उधर से पहाड़ के, देखिए वो कुआँ जो है पेड़ उसी जगह काली चुड़ैल रहती थी। आप लोग अगला वीडियो में देखे होंगे, आप लोगों को डिटेल्स पता होगा। टाटा कर दो। बिस्किट खा रहा बेटा, रे उमिर बिस्किट खा रहा है, इधर देखो तेरा सा। वैसे बोल दो कि अंकल मेरा तबीयत खराब हो गया था, आंटी मेरा तबीयत खराब हो गया था, बोल दो बेटा। तो दोस्तों अभी उमिर जो है कि छोटा है, इसीलिए आप लोगों से थोड़ा बात उत नहीं कर पाते हैं, और जो है कि आप लोगों के सामने इनको बड़ा करेंगे, आप लोगों से बातें वाते भी कराते जाएंगे। हाँ अगला साल जो है कि बोलेंगे हम भी, तो आप लोगों से भी बात करेंगे, तो आप लोग जो है कि सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा जो वीडियो रेगुलर बनता रहे। अभी उमिर हंस रहा था बेटा, एक बार उधर हंसो तो नहीं इधर। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जाते जाते आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को नए देख रहे हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में डेली की तरह।